हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, जैसे आपको पता है कि सिनर्जी कंपनी हर साल सिनर्जी एग्जाम कॉलेक्ट करती है फॉर जॉब, मतलब फॉर ईच रैंक, डेक कैरेट, डिजन कैरेट या फिर जीपीएट, तीनों रैंक के लिए हर साल एग्जाम लेती है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इसका जो एग्जाम होता है, एग्जाम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, प्लस मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, और आपका कट ऑफ मार्क्स कितना होता है, मतलब आपका किस सेक्शन से कितना मार्क्स रहता है, क्या क्या सिलेबस है, ठीक है। तो मैं ईच रैंक के लिए हर एक अलग अलग करके वीडियो बनाऊंगा। जो ये वीडियो ओनली फॉर डेक कैरेट्स के लिए है, नेक्स्ट वीडियो इंडियन कैरेट, फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो जी पी रेटिंग के लिए है। तो मैं आपको इस वीडियो में ओनली फॉर डेक कैरेट्स का एग्जाम सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सब कुछ बताऊंगा। और ये सब कहाँ से मिलेगा मैं आपको वो भी बताऊंगा पूरा इन्फॉर्मेशन। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यही बताऊंगा कि अगर आपको सीनेट एग्जाम स्टडी मटेरियल चाहिए, मेरे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में यू विल गेट सम लिंक्स एंड फ्रॉम दैट लिंक्स यू कैन गेट अ स्टडी मटेरियल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा। तो मेरे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको जो लिंक मिलेगा स्टडी मटेरियल का, अगर आप वो स्टडी मटेरियल परचेज करते हैं तो उस स्टडी मटेरियल के अंदर ही ये सब कुछ है, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ है। तो पहले आपको दिखा दूँ कि उस स्टडी मटेरियल में है क्या। अगर आप वो स्टडी मटेरियल खरीदते हैं फॉर डेक कैरेट, यू कैन सी डेक कैरेट सिनर्जी एग्जाम प्रिपरेशन बुक, ऑल दिस थिंग्स आर इंक्लूडेड ऑन दैट बुक। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, एप्टीट्यूड क्वेश्चन विद आंसर्स, प्रीवियस एप्टीट्यूड क्वेश्चन, ओके, देन सैम्पल एमसीक्यू क्वेश्चन, इंटरव्यू क्वेश्चन, सेकेंडरी टेस्ट क्वेश्चन, ऑल आर इंक्लूडेड इन दिस स्टडी मटेरियल। सो अगर आप खरीदते हैं इसको तो आपको ये सब कुछ मिलेगा। तो आते हैं अभी मेन टॉपिक पे। तो देखिए, पहले है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जो फर्स्ट नंबर है, शुड हैव बॉर्न आफ्टर 1 जनवरी 1997। ये जो डेट ऑफ ईयर है, मतलब ईयर ऑफ बर्थ है, ये हर साल ये लोग चेंज करते रहते हैं, तो ये हमेशा चेंज होगा। तो 1997 है, मे बी नेक्स्ट ईयर के लिए 1998 भी कर सकता है वो लोग, ठीक है। और जो सेकंड पॉइंट है, शुड हैव स्कोर्ड 65% इन PCM इन क्लास 12, एंड शुड हैव स्कोर्ड 65% ओवरऑल एग्रीगेट इन क्लास 12, एंड शुड हैव ऑब्टेंड 60% मार्क्स इन इंग्लिश इन क्लास 12, एंड शुड हैव कंप्लीटेड PC ट्रेनिंग और शुड बी अपीयरिंग इन फाइनल सेमेस्टर एग्जाम ऑफ द कोर्स इन मेरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। मतलब आपका क्लास 12 में PCM में 65% रहना चाहिए, ओवरऑल भी आपका मिनिमम 65% रहना चाहिए, और आपका इंग्लिश में मिनिमम 60% रहना चाहिए, और आपका PC ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया होगा तब आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, या फिर अगर आप लास्ट सेमेस्टर में हैं तब आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। देखिए, इसमें देखिए, मैं इस पर रेड कलर से ऑलरेडी मैं मार्क कर चुका हूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यूज टू चेंज एवरी ईयर एंड फाइनल क्राइटेरिया विल कम टू नो फ्रॉम देयर एग्जाम फॉर्म, ठीक है। तो ये फिर नेक्स्ट आपका सिलेबस, सबसे इंपॉर्टेंट है सिलेबस, ठीक है, फॉर डेक कैरेट। यू कैन सी इसमें, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑल्सो। द एग्जामिनेशन विल बी टेस्ट सेंटर फॉर ड्यूरेशन ऑफ 3 आवर्स, मीन्स एग्जाम टाइम विल बी 3 आवर्स, 180 मिनट्स, टोटल क्वेश्चन 200 क्वेश्चंस, एंड टोटल 100 क्वेश्चन विल बी टेस्ट नॉलेज एंड 100 क्वेश्चन विल बी टेस्ट एप्टीट्यूड, ओके। एंड ईच क्वेश्चन एंड आंसर करेक्टली एवरेज 1 मार्क, एंड नेगेटिव मार्क विल बी 0.25 पर क्वेश्चन, एंड अनअटेंडेड क्वेश्चन नो नेगेटिव मार्किंग। नाउ द टेस्टिंग एरिया फॉर नॉलेज मीन्स द सिलेबस। सिलेबस यू कैन सी टेरेस्ट्रियल नेविगेशन, नॉलेज ऑफ नेविगेशन एंड इंस्ट्रूमेंट, नेविगेशन में चार्ट, लाइट, शेप्स, साउंड सिग्नल, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, पोजिशन, प्लॉटिंग, फंडामेंटल्स, बेसिक शिप कंस्ट्रक्शन, नेवल आर्किटेक्चर, फायर सेफ्टी नॉलेज, बेसिक फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, बेसिक कार्गो वर्क, नॉलेज ऑफ टर्म्स, बेसिक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ओके, ऑल दिस थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द सिलेबस। बेसिक टर्म्स आर एसोसिएटेड, ओके, मेट्रोलॉजी, ओशनोग्राफी एंड क्वेश्चन एंड सब्जेक्ट नॉलेज एरिया विल बी अप्रूव फ्रॉम द सिलेबस ऑफ DNS एंड BSc। ये सब पूरा सिलेबस है इसका, ये टॉपिक जो मेन मेन टॉपिक है, ठीक है। अभी मेन आता हूँ मैं, फिर आता हूँ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। किस टॉपिक से आपको कितना मार्क्स का क्वेश्चन कहाँ से आएगा। नेक्स्ट देखिए, पहले आपका है 200 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट 180 मिनट्स, चलिए। सेक्शन ए विल बी 100 क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस, नॉर्मल नॉलेज मीन्स नॉर्मल फ्रॉम योर शिपिंग, फ्रॉम नेविगेशन, कार्गो वर्क, आर ओर इंक्लूडेड ऑल दिस थिंग्स, देर विल 100 क्वेश्चंस, MCQ क्वेश्चंस, एंड देन सेक्शन बी देर विल 20 MCQ क्वेश्चंस फॉर फ्रॉम सेक्शन बी, दैट इज न्यूमेरिकल रीजनिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, ओके। एंड देन सेक्शन सी लॉजिकल रीजनिंग 25 MCQ क्वेश्चंस,
सेक्शन डी स्पेटियल एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, एंड सेक्शन ई वर्बल कम्प्रीहेंशन, 30 MCQ क्वेश्चंस। ओके, यह पूरा इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखा लिया मैं, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कितना कौन सा पार्ट से क्या कितना मार्क्स रहेगा, क्या सिलेबस है यहाँ पे। ओके, और आपका नेगेटिव मार्किंग कितना है, सब कुछ है इसमें, और आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। अभी मेरा स्टडी मटेरियल है, आप देख सकते हैं ऑलरेडी, आपको दिखा देता हूँ, इसमें बहुत सारे पेजेस है। ओके, इसमें पूरा एप्टीट्यूड क्वेश्चन देखिए मेरा अभी इधर, एप्टीट्यूड क्वेश्चन में पूरा टॉपिक वाइज आपको सब कुछ स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, इवन क्वेश्चन आंसर के साथ टॉपिक वाइज है सब कुछ यहाँ पे, ये है टॉपिक इंक्लूडेड है ऑलरेडी, ठीक है, बिकॉज डेक्रेट के लिए यही टॉपिक आता है सिनर्जी में, ठीक है। प्लस आपको साइकोमेट्री टेस्ट क्वेश्चन मिल जाएगा आपको इस स्टडी मटेरियल के अंदर, यू कैन सी द कंटेंट्स एंड द लास्ट देर इज इंटरव्यू क्वेश्चन, साइकोमेट्री टेस्ट क्वेश्चन ऑल आर इंक्लूडेड इन दिस। सो अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तब भी आप ले सकते हैं इसको, ताकि आपको रेफरेंस के लिए, या फिर अगर आपको बस ये सब इन्फॉर्मेशन चाहिए तब आप अब यहाँ से इस वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया, तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। सिलेबस आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सिलेबस का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यही मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहता है हर साल, इस साल भी यही रहेगा, ठीक है। तो मैं पूरा चीज़ दिखा दिया इसी वीडियो पे। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, अगर आपको कुछ भी हेल्प लगा हो इस वीडियो से, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आपके जो भी दोस्त अभी सीनियर एग्जाम देने वाला है, या फिर प्रिपरेशन कर रहा है, या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर, या फिर नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन मतलब एग्जाम देने वाला है, तो आप ये वीडियो उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। तो मैं आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ, चलते हैं, टेक केयर एंड बाय।